बीजेपी में दूसरे दलों के नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को हरियाणा महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा चौहान भी बीजेपी में शामिल हो गयी। हरियाणा में जल्द ही विधानसभा चुनाव है तो दल बदल होगा ही, लेकिन ऐसे नेताओं को बीजेपी ने आईना भी दिखा दिया है। बीजेपी उनका स्वागत तो कर रही है, साथ ही ये भी कह रही है कि सभी को टिकट मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बीजेपी ने किसी से भी टिकट का वादा नहीं किया है। सुमित्रा जी का भी स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। और आज सारी पार्टियों से छोड़ के लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हमने आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति को आश्वासन नहीं दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत पार्टी है और आज केंद्र में भी उसकी सरकार है, स्टेट में भी उसकी सरकार है और आने वाले समय में भी ईश्वर की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से सरकार बनने वाली है। लेकिन जब हमारे पास इतनी मजबूती थी, जब हमारे पास 4 MLA 6 MLA होते थे, तब भी हमने किसी के साथ ये वादा नहीं किया कि हम आपको टिकट देंगे। बीजेपी में दूसरे दलों के नेता शामिल तो हो रहे हैं, लेकिन टिकट मिलने की कोई गारंटी नहीं। हरियाणा में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, जिससे पार्टी अच्छी खासी उत्साहित है। अब देखना यह है कि दूसरे दलों से आए नेताओं से बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है। R9 TV के लिए यमुनानगर से रण सिंह चौहान की रिपोर्ट।